आज रसोई गैस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 रुपये बढ़ाए हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स के ऊपर इन्होंने 350 रुपये बढ़ाए हैं। कि महंगाई आसमान पे जा रही है, 140 करोड़ अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा झटका है। मुद्दों को भटका के ये लोग ऐसे ऐसे शोशे पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा हालातों के अंदर हमने बहुत चीज़ें देखे हैं, जैसे जुनेद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, हाथरस का मामला हो, यूनो का मामला हो, हरियाणा का जो रिसेंटली मामला हुआ है नासिर और जुनेद को लेके, ये देखिए खुलेआम मर्डर और हत्याएं हो रही है। मुझको आज एक गाना याद आ रहा है जो मनोज कुमार का, एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा था ये महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा था महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। आज रसोई गैस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एक बार आम आदमी आम इंसान को इतना बड़ा झटका दिया है कि जब जब इंसान सुकून में रहना चाहता है पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये हालातें करते हैं कि उनके रातों की नींद खो जाती है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, आज इन्होंने रसोई गैस के ऊपर 50 रुपये बढ़ाए हैं और कमर्शियल सिलेंडर्स के ऊपर इन्होंने 350 रुपये बढ़ाए हैं। देखिए मौजूदा हालातों के ऊपर कि महंगाई आसमान पर जा रही है, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ठेले वाले होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बिजनेस में काम करने वाले होते हैं, शटरिंग काम करने वाले ले लो, साइकिल दुकान के काम करने वाले ले लो, मोची ले लो और दीगर मैकेनिक्स ले लो, कि इन लोगों की माशी हालत के ऊपर, इनकी कमाई के ऊपर कितना बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि ये सोई सरकार कभी जागने के लिए आगे नहीं आ रही है और यह कभी अपनी आँख नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि आज 50 रुपये बढ़ाने से एक आदमी के ऊपर कितना बड़ा बोझ गिर रहा है कि उनके जेब खाली होती जा रही है और उनकी पकवान के ऊपर उनके परिवार के अंदर एक गरीबी छा रही है। तो ये रूलिंग गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करने के ऊपर रेडी नहीं है। ये रात हो जाती है और सिंध तक सुबह तक हालातें मैसेज दे जाते हैं लोग कि आम आदमी के नुकसान और आम आदमी के खर्चे और अखराजात पर बहुत बड़ा मार गिरता है। तो इसीलिए हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ऊपर आपके हाथों के अंदर और आपके हाथों में ये ताकत नहीं है कि महंगाई को रोक सके। इसीलिए हमने आज ये मैसेज देने की कोशिश की है, जब जब हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब ये बैकफुट पे आती है तो कुछ ना कुछ ऐसे शोशे यहाँ पर लेके आते हैं और आवाम के ऊपर और नौजवानों के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर ये बहुत बड़ा मार है, क्योंकि ये लोग जॉब नहीं दे सकते, ये लोग आम आदमी के खर्चे संभाल नहीं सकते और ये आम आदमी के जो महंगाई जो गुजर रही है इसके अंदर ये इजाफा नहीं कर सकते कुछ भी। क्योंकि देखिए हम ये चाहते हैं कि गरीब को आप सहूलत दीजिए, क्योंकि जो 50,000 एक लाख रुपए कमाने वाला है गैस सिलेंडर को उतना ही पैसा दे रहा है कि 300 रुपए कमाने वाला भी गैस सिलेंडर को 1100 के ऊपर ही पैसा दे के गैस सिलेंडर खरीद रहा है। तो बताइए गवर्नमेंट की पॉलिसी किस अंदाज में जा रही है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा हालातों के अंदर हमने बहुत चीज़ें देखे हैं, जैसे जुनेद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, हाथरस का मामला हो, यूनो का मामला हो, हरियाणा का जो रिसेंटली मामला हुआ है नासिर और जुनेद को लेके, ये देखिए खुलेआम मर्डर और हत्याएं हो रही है। तो ये लोग जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात नहीं करने के लिए रेडी है, ना कि ये महंगाई के ऊपर भी बात करने के लिए रेडी है कि अवाम के ऊपर 140 करोड़ अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा झटका है कि आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट के लिए अवाम सोचना है, क्योंकि इनको रेस्ट की ज़रूरत है, इनको लंबा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं। मुद्दों को भटका के ये लोग ऐसे ऐसे शोशे पेश कर रहे हैं कि जनता उसके ऊपर ध्यान ना दें। मुझको आज एक गाना याद आ रहा है जो मनोज कुमार का, जो कई साल पहले मनोज कुमार ने एक फिल्म में अंदाज
बयान किया था वो मैं आपके सामने वो चार लाइन पेश करना चाहता हूँ, आप सुनिए गौर से। एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा था ये महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा था महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। हमें ये लगता है जब जब ये महंगाई बढ़ाने का अंदाज़, हमें कुछ ऐसा लगता है कि जब नौजवान अपनी जॉब्स के लिए एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब पूछा जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ऐसे शोशे पेश करती है, क्योंकि हमने देखा है बजट के अंदर जो रिसेंटली हुआ है वो बजट के अंदर माइनॉरिटी के हक़ के अंदर कोई ऐसा स्कीम ऐसा लागू नहीं किए हैं लोग, कोई ऐसा स्कीम ऐसा इन्होंने जागरूक नहीं किया, कोई ऐसा नया स्कीम इन्होंने लाया नहीं है अवाम के लिए। बताइए कि पिछले गवर्नमेंट्स ने जितने स्कीम्स इन्होंने लाए थे वो स्कीम्स को पूरा इन्होंने अबॉलिश किया है। ये गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स थे, जितने भी ग्रांट्स थे, वो सभी ग्रांट्स को और स्कीम्स को इन्होंने एक कोने में कचरे के डब्बे में डाला है। हम ये अपील करते हैं ये गवर्नमेंट से कि आपके खामियाँ, आपकी कहलियाँ, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं अवाम को समझने आ चुके हैं, क्योंकि ये अवाम महंगाई से परेशान है और ये अवाम कुछ ऐसे गलत जहन रखने वाले लोगों से भी परेशान है, और महंगाई से तो पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।